और अब बात करते हैं विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। कांग्रेस को यह बात सचमुच बेहद चुभने वाली है। जिस कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया, उस कांग्रेस की स्थिति यूपी में ना के बराबर हो गई है। पहले विधानसभा चुनाव में प्रियंका की मेहनत दो सीटों तक आकर सिमट गई। उसके बाद विधान परिषद में ऐसी स्थिति बन गई जो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि अब विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं बचा। बुधवार को 10 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। इसमें सपा के 6, बसपा के 3 और कांग्रेस के 1 सदस्य थे। अभी तक दीपक सिंह कांग्रेस के इकलौते MLC थे। भाजपा के भी 2 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन केशव देव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी फिर चुन लिए गए। बड़ा सवाल तो कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूपी विधान परिषद में कोई नहीं होगा। ऐसा ही हाल राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में भी यूपी से कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं है। कांग्रेस ने राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और इमरान प्रताप गढ़ी को जरूर राज्यसभा भेजा, लेकिन ये तीनों अलग अलग राज्यों से भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का 135 वर्ष पुराना इतिहास है और आज विधान परिषद के 12 जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। हालांकि बीजेपी के जो 2 सदस्य हैं वो दोबारा विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी। इसके अलावा जो 10 सदस्य हैं जिनका आज कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें कांग्रेस के सदस्य दीपक सिंह भी हैं। और अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस 0 की संख्या पर पहुंच गई है। हालात कांग्रेस के लिए भी चुभने वाले हैं और बसपा के लिए भी, क्योंकि बसपा की स्थिति कांग्रेस से कुछ ज्यादा अलग नहीं। विधानसभा में बसपा का सिर्फ 1 ही विधायक है और विधान परिषद में भी ऐसी ही स्थिति है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में अभी क्या तस्वीर है, उसे भी समझना जरूरी है। भाजपा के सबसे ज्यादा 75 सदस्य हैं, जबकि सपा के 9 और बसपा का 1 सदस्य। इसके अलावा निषाद पार्टी से संजय निषाद और अपना दल S से आशीष पटेल विधान परिषद के सदस्य हैं। हाल ही में हुए चुनाव में जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी, जबकि विक्रांत सिंह ऋषि और ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी परिषद पहुंची थी। विधान परिषद में 1 सीट निर्दलीय समूह के पास भी है, जबकि 9 पद खाली है। लेकिन भाजपा ने जिस रफ्तार से विधान परिषद में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई है, वो अखिलेश को चुभने वाली है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि सपा के हाथ से विपक्ष की कुर्सी भी छिन सकती है, क्योंकि विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी के लिए 10% सीट जरूरी है, लेकिन सपा के विधान परिषद में सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं। 2012 में यूपी विधान परिषद में भाजपा के सिर्फ 7 सदस्य थे, यानी 11 साल में भाजपा के सदस्य 10 गुना से भी ज्यादा हो गए। यानी विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, यूपी में हर जगह भाजपा का भगवा सबसे ऊपर है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।